आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठ के अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे हम अपने कैरेक्टर के बैकग्राउंड में शैडो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे लाइटिंग कौन कौन सी यूज़ करता हूँ और इसके बाद हम चलेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन में, वहाँ पर हम क्रोमा की का यूज़ करना सीखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम अपने रियल बैकग्राउंड में आते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन का पर्दा लगा हुआ है। अब मैं बाकी आपको लाइटिंग दिखाता हूँ, मैं लाइटिंग कौन कौन सी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर मैंने एक माइक लगा रखा है जिसमें मैंने एक एक्सटर्नल बोया माइक लगा रखा है जो कि मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है। और बैकग्राउंड में आप देखते हैं यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन लगा रखा है मैंने, और अपने फ्रंट में देखो यहाँ पर मैंने एक रोड लगा रखा है ये वाला, ठीक है, और एक रोड मैंने अपने राइट साइड में लगा रखा है ये, और एक रोड मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगा रखा है। रोड बोले तो वो एलईडी लाइट, मतलब ये एलईडी वाली जो रोड होती है ना वो है, ठीक है। तो इस वाले रील में जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें हम क्रोमा की यूज़ करेंगे और शैडो भी ऐड करेंगे। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट काइनमास्टर एप्लीकेशन में, वहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी एडिटिंग करते हैं। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक शॉर्ट्स का एस्पेक्ट रेशियो ले लेंगे और यहाँ से हम सिंपली क्रिएट में क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले हम वीडियो के बैकग्राउंड में जो इमेज रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो उस वाले रील में मैंने इस वाले इमेज को लगाया था, तो इस वाले इमेज को यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये इमेज जो है वो स्क्रीन में पूरी तरह से फिट नहीं है, तो इसको स्क्रीन फिट करने के लिए हम सिंपली पेन एंड जूम का इफेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली इस इमेज में क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको पेन एंड जूम में क्लिक कर देना है। अब आपको इस इमेज को जूम करके स्क्रीन में पूरी तरह से फिट कर लेना है। स्क्रीन में अच्छी तरह से फिट कर लेने के बाद इसके एंड पोजीशन को और स्टार्ट पोजीशन को दोनों को हमें इक्वल कर देना है। तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पर तो आपको बीच में इक्वल का साइन मिलता है, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं तो ये हमारे स्क्रीन में पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपली जाएंगे लेयर में और फिर जाएंगे हम मीडिया में और यहाँ से हम अपनी रिकॉर्डेड वाली वीडियो को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे वीडियो के अपर साइड में और लोअर साइड में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, तो उसको हम सिंपली क्रॉप कर लेंगे क्योंकि हमें क्रोमा की लगाना है तो वहाँ पर हमें ये दिक्कत करेगा, तो उसके लिए हम इसको सिंपली क्रॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने वीडियो में क्लिक करना है और इसके बाद हम जाएंगे क्रॉपिंग में और यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सिंपली हम क्रॉप कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी वीडियो को स्क्रीन में फिट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम क्रोमा की को यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली अपने वीडियो में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रोमा की का, तो सिंपली आपको इस क्रोमा की में क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें इसको इनेबल कर देना है। अब जिस भी कलर को आप अपने बैकग्राउंड से रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से हमें उसी कलर को चूज़ करना है कलर की में जाकर। अब यहाँ पर हमने ग्रीन कलर में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया है, तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे की कलर में और यहाँ से हम उसी कलर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर में भी काफ़ी सारे कलर आ रहे हैं, बट हमको यहाँ पर वही कलर चूज़ करना है जो कि हमारे बैकग्राउंड में है। तो यहाँ पर जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है यहाँ पर मैं इस वाले कलर को चूज़ कर लेता हूँ। अभी आप देखते हैं तो आपका वीडियो कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि इनकम्प्लीट है, तो इसको सही करने के लिए हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए है और दूसरा जो है वो कैरेक्टर की ओपेसिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करना है अच्छे से क्रोमा की को लगाने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके जो आपका बैकग्राउंड है उसको पूरी तरह से ब्लैक करना होता है और जो आपका कैरेक्टर है उसको पूरी तरह से वाइट करना होता है। तो चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ।
यहाँ से आप शो मार्क्स में क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि क्रोमा की सही से लगा है कि नहीं लगा है। इसके बाद सिंपली आपको जाना है डिटेल कर में, और यहाँ से भी आप इसको मास्किंग जो है उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट्स को ऊपर की ओर करेंगे और एक पॉइंट को हम नीचे की ओर करेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि आपको कैसा नहीं करना है। देखो अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो मेरी बॉडी जो पूरी तरह से वाइट होनी चाहिए थी वो साइड में थोड़ी ब्लैक हो गई है। अब देखो ये कैसा क्रोमा की लग रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा, अगर बैकग्राउंड वाले पॉइंट को यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे वाइट हो गया है जो कि पूरी तरह से ब्लैक होना चाहिए था। तो अब हम देखते हैं तो ये भी देखो थोड़ा सा हमारा अच्छे से यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये दोनों गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी गलती करेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से रिमूव नहीं होगा या फिर आपका जो करेक्टर है वो थोड़ा सा धब्बा धब्बा जैसा दिखेगा। तो ये दोनों गलती आपको नहीं करना है और अच्छे से आपको क्रोमा की का यूज़ करना है और साथ में आपको इस डिटेल कर्व का भी यूज़ करना है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि हमें क्रोमा की का कैसे यूज़ करना है। अब हम थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करते हैं, इसके बाद हम करेक्टर में शेडो भी ऐड करेंगे। तो फिर से हमें अपनी वीडियो लेयर में क्लिक करना है और यहाँ से हमें एडजस्टमेंट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रास्ट भी बढ़ा देता हूँ, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, और इसके बाद हम टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, हाईलाइट को भी थोड़ा सा यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हम शैडो भी प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो पहले से मैं काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में 100 से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल होंगे, बट मैं शर्त लगा कह सकता हूँ। अब नेक्स्ट हम करेक्टर में शैडो ऐड करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए यहाँ पर मैं एक वाइट बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो मीडिया में क्लिक करके यहाँ से मैं इमेज एसेट्स में क्लिक करके यहाँ से मैं एक वाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। अब आपको अपने वीडियो लेयर में क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में देखेंगे ऊपर की साइड तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको डुप्लीकेट में क्लिक कर देना है। अब आपको इस बैकग्राउंड वाली वीडियो में क्लिक करना है। अगर आप किसी वीडियो को बैकग्राउंड में सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको 3 डॉट में जाना है और यहाँ से आपको सिंपली सेंड टू बैक में क्लिक कर देना है, जिससे कि वो वीडियो बैकग्राउंड में चला जाएगा। अब सबसे पहले हम इस वीडियो के ऑडियो को जो है वो म्यूट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो दो ऑडियो एक साथ में प्ले होगा। इस वीडियो को मैं थोड़ा ऊपर की साइड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपको इस वीडियो के एडजस्टमेंट में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना सबसे नीचे की ओर, और यहाँ से आपको लिफ्ट को कर देना है 100 और नेक्स्ट इसके ह्यू को जो है वो -180 कर देना है या फिर +180 कर देना है। अगर अभी भी आपकी वीडियो में कोई कलर रह जाता है ब्लैक होने से तो सिंपली आपको जाना है इसके सैचुरेशन में और यहाँ से आपको इसको कर देना है सीधे -100। और इसके बाद आप इसके अल्फा ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं जैसा आप शैडो दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आपको लेयर में क्लिक करना है, फिर आपको इफेक्ट में क्लिक करना है। अब यहां से आपको बेसिक इफेक्ट में क्लिक करना है और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक गॉजियन ब्लर का इफेक्ट मिलता है, तो आपको इसमें सिंपली क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब आपकी जो ये मेन वीडियो है इसमें क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट में क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको ब्रिंग टू फ्रंट में क्लिक कर देना है। अब आपको इस गॉजियन ब्लर के इफेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसके प्रॉपर्टी में क्लिक करना है और यहाँ से इसकी ब्लर जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा बढ़ा देना है।
अब आपको इस शैडो वाली वीडियो में क्लिक करना है और इसको आपको सही जगह में लगा देना है। अब आपकी जो ये बैकग्राउंड वाली वीडियो है उसमें क्लिक करके उसके आपके ओपेसिटी में जाना है और वहाँ से आपको इसके जो इसका जो ओपेसिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप शैडो दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरह से आपको जो आपका ब्लर इफेक्ट है जो आपने गॉसियन ब्लर लगा रखा है उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसकी प्रॉपर्टी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे भी आप शैडो को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में जो आपकी वीडियो है बैकग्राउंड वाली उसकी पोजीशन को भी आप सही जगह पर लगा सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हैं शैडो तो लेफ्ट साइड कर देंगे, अगर राइट साइड में शैडो दिखाना चाहते हैं तो राइट साइड में कर देंगे और उसके साइज को भी हम थोड़ा स्केल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में शैडो ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम सिंपली अपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में 100 से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल होंगे, बट मैं शर्त लगा कह सकता हूँ अगर आपने 3 ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो आप एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे। फर्स्ट वन इज मेडिसिन। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।